हाय मेरे फूडीज, चाटुकारो, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ हल्दीराम जैसी खस्ता क्रिस्पी नमक पारे शेयर करने वाली हूँ, जो बनी है सूजी से, इसलिए हेल्दी भी है और इनको आप 20 से 25 दिन तक स्टोर भी कर सकते। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डो रेडी करते हैं, उसके लिए एक बोल लेंगे। और ये मैंने एक कप सूजी ली हुई है जिसको मैंने मिक्सर में पीसा हुआ है। ये 250 ml का जो कप होता है बड़ा वाला, उस माप की मैंने सूजी ली है। इसको एकदम बारीक मिक्सर में पीसा है, इसका आप ध्यान रखिए। इसमें मैंने 1/4 कप आटा लिया हुआ है, नॉर्मल आटा जिसका चपाती बनाते हैं। ये अच्छा बाइंडिंग का काम करता है, क्योंकि सूजी में रवा होता है ना तो वो बाइंड नहीं होता है। और ये लिया है मैंने 2 tablespoons बेसन, आप इसकी जगह और भी कोई आटा ले सकते हैं। ये अजवाइन लिया हुआ है मैंने 1 चम्मच, इसको अच्छा रब करेंगे और डालेंगे। जहाँ बेसन डलता है नमकीन बनता है तो अजवाइन अच्छा काम करता है। ये लिया है मैंने 1/2 चम्मच, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है नमक, मैंने नमक थोड़ा कम लिया है क्योंकि ऊपर से अपन मसाला डालने वाले हैं। और अब आया मोयन का टाइम, मतलब तेल डालने का टाइम। ये मैंने 4 tablespoons मतलब 1/4 कप ऑयल लिया है, इसमें से मैं 3 चम्मच ऑयल मैं अभी डाल दूंगी और 1 चम्मच ऑयल बचा दूंगी। ये मैंने 3 चम्मच ऑयल डाल दिया, अब इसको मस्त खुश करना है, अच्छे से ऑयल को मिलाना है जिससे अपने नमकीन अच्छे कुरकुरे बने, क्रिस्पी एकदम। ऑयल अच्छे से मिल गया है इसमें, आप ऑयल की जगह ना घी लेंगे तो भी और अच्छे खस्ते बनते हैं। ये देखिए ये बाइंड होने लगा, मतलब अच्छे से सब मिक्स हो गया है। अब मैंने ये 1/2 cup पानी लिया है, अब अपन देखेंगे। आप पानी का माप मत देखिए, आटा कैसा करना है वो देखना है। रवा पानी बहुत एब्जॉर्ब करता है, इसलिए अपन जब गीला रखेंगे तब वो 10 मिनट में अच्छा सा सूखा हो जाए। ये पूरा पानी इसमें डल गया है 1/2 cup। आप बोल रहे होंगे ये कितना गीला कर दिया, गीला नहीं किया, अभी ये सूजी है ना एकदम एब्जॉर्ब कर लेगी सारा पानी। इतना गीला हुआ है लेकिन आप चिंता मत करिए, इसको अपन बाद में खुश भी करेंगे। ऑयल लगा के उसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, इसको ढक के रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हमें मसाला रेडी करते हैं, जो कि हम तलने के बाद इमीडिएट उस पर डालेंगे। ये मैंने काला नमक लिया हुआ है 3/4 teaspoon, इसमें वाइट नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। 1/8 teaspoon ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon ये मैंने पिसी शुगर ली हुई है जो कि घर में पिसी हुई है शुगर पाउडर, 1/2 चम्मच ने 1/2 teaspoon चाट मसाला, और लास्ट में इसमें मैंने ये लिया है धनिया पाउडर। धनिया मीन्स कोथिंबीर, जो हरी धनिया आता है उसको ड्राई करके मैंने मिक्सर में पीस लिया है। वो ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाली, अदरवाइज कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। बस इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसको तलने से पहले ही बनाइए, क्योंकि ये इमीडिएट जैसे ही तेल से डालते हैं तो उसमें तेल रहता है नमकीन में, तो उसमें अच्छे से स्टिक होता है और टेस्ट अच्छा आता है। तो ये बना के रख लिया, रेडी हो गया। इस मसाले से ना बड़ा चटपटा टेस्ट आता है, इसलिए आप इसको जरूर डालिए। देखिए 10 मिनट्स हो गए हैं, अपना आटा देखते हैं। ये देखिए कितना गीला रखा था और सूजी ने सारा पानी एब्सॉर्ब कर लिया और एकदम परफेक्ट आटा बन गया। इसमें ना मुझे पानी डालना है ना कुछ करना है, बस हाथ से थोड़ा सा इसको ऐसा कर लूंगी 2 मिनट, थोड़ा सा नीड करेंगे तो अच्छा बनता है। वैसे मोइन की चीज को ज्यादा नीड नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा सा एक सा करूंगी। बस इसको 4 parts में डिवाइड करूंगी और बाकी ये दो जो है उसको ढक के रख देंगे, इसका राउंड राउंड गोल बनाएंगे। इसका स्क्वायर हो सके तो स्क्वायर लोई बनाइए और इसको पूरा अच्छा बेल लेंगे। इसकी थिकनेस देखिए फ्रेंड्स, इतनी रहनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला, पतला तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि उसका फिर डिज़ाइन नहीं आएगा। अब देखिए इसको अपन स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा, अब आपने जो डिज़ाइन बनाने के लिए जैसा फोक लिया है ना उस साइज़ का आपको कट करना है। वैसे 2 तरह के फोक आप क्या हो सकते हैं, तो ये देखिए जैसे इतना ये लंबा चाहिए तो अपने को वहाँ पर मार्किंग कर लेनी। अब ये ब्रेथ की तो हो गई, ये ब्रेथ की हो गई, अब इसकी भी मार्किंग आप थोड़ा सा अंदाजा से करेंगे तो हो जाएगा। देखिए ऐसे पीसेस अपन ने
कट कर लिए, अब अपने को क्या करना है, एक पीस उठाना है, ऐसा फोक लेना है और उस पर आपके यहाँ कोई ऐसा राउंड हो या पेंसिल तो होगी आपके यहाँ, उस पर आप या बेलन से ही कर लीजिए। इसके मार्क्स चाहिए अपने को, इस पर अच्छे थोड़ा सा स्ट्रांगली चाहिए। तो अपने को क्या करना है, इसको फिर लेना है और टर्न कर देना है और नीचे इस तरीके से प्रेस कर देना है, तो ये स्टिक भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरीके से प्रेस कर दिया तो ये स्टिक भी हो गया। बस इसी तरीके से अपने को सारे बना के रखने, ये मार्क्स आ जाएंगे। आगे के पार्ट में नहीं आए तो वो तो अंदर चला जाएगा, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, थोड़ा सा आगे लेना है जिससे अपने को स्टिक करने में प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखिए इस तरीके से, हाँ लास्ट बचेगा तो नीचे की साइड उसको प्रेस कर देना है और इस तरीके से निकाल लेना है। ये बन के रेडी होते जा रहे हैं। बस इस तरीके से मैं सारे बना लू। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हाथ से भी आप कर सकते हैं, ऐसे हाथ से थोड़ा सा प्रेस किया उसको और ऐसा टर्न कर लिया, पेंसिल नहीं है तो ऐसा भी टर्न हो जाता है। ये देखिए और इधर स्टिक कर दीजिए, ये देखिए कितना अच्छा हुआ है। बस इस तरीके से सारे बना लेना है। अब देखिए एक दूसरी डिजाइन रेडी करते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा पतला बेलना है, जो पहली डिजाइन से है ना उससे थोड़ा पतला बेलना है। अब इसको पीसेस में कट करेंगे, ये ऐसे इसके पीसेस करेंगे लंबे लंबे और इसको बीच में से इस तरीके से करेंगे। अब अपने को करना क्या है, इसका जो इसको फोल्ड करना है, ऐसा हाफ फोल्ड करना है, पूरा नहीं करना है। ये हाफ फोल्ड हो गया है और जिस तरफ से फोल्ड हुआ है उस तरफ से ऐसे कट मारना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा उठाना है और टर्न कर देना है। ये देखिए, ये देखिए फ्लावर बन गया। और बनाते हैं, हाफ टर्न करना है। आप चाहिए तो इसके अंदर कुछ ऑयल वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ऑयल मुझे यूज़ नहीं करना है। और इस ध्यान करिए कि ये सेम पीसेस हों, बस उठाना है और उसको ऐसा जैसे कोई चीज़ को लपेटते हैं बस वैसा करना है। ये लास्ट वाले को इधर स्टिक कर दीजिए और इनको और थोड़ा ऐसा फैला दीजिए। बनके रेडी हो गया। बस इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँ। देखिए ये बनके रेडी हो गए हैं। अब तलने की प्रोसेस पे चलते हैं। तलने के लिए कढ़ाई गैस पर रख दी है, उसमें तेल डाल दिया है और गैस ऑन कर दिया है। बस गर्म होने का इंतजार करना है, एकदम कम गर्म करना है, लेकिन स्टार्टिंग में अपने को थोड़ा मीडियम गर्म चाहिए और बाद में एकदम स्लो करना। ये देखो फ्रेंड्स कढ़ाई हो गई है, मैंने उसमें डाला है तो कढ़ाई गर्म हो गई है। एक डाल के देख लेते हैं, स्टार्टिंग में मीडियम गरम चाहिए, उसके बाद एकदम स्लो करेंगे। एक एक डाल देंगे, एकदम स्लो कर देंगे, एकदम स्लो फ्लेम है और इनको गोल्डन होने तक तलेंगे, इनको अलटते पलटते रहेंगे। ये हो गए हैं और इनको निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इनका। इसी तरह ये फ्लावर भी डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए ये जो अभी फर्स्ट बैच हुए हैं, देखा कितने क्रिस्पी का आवाज़ आ रहा है ना। अब इसमें जो मसाला रेडी किया था ना वो डालना है, नहीं तो इनका तेल ड्राई हो जाएगा। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये फ्लावर भी देखिए तल रहे हैं अच्छे, इनको टर्न कर देंगे इसी तरह और गोल्डन होने तक इनको भी पलटते रहेंगे। ये देखिए ये भी रेडी हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए मस्त दोनों तरफ से अंदर होल है तो अंदर तक भी ये सिक चुके हैं। बस इसको भी मसाला मिलाएंगे, ज़्यादा ठंडे नहीं होने देना है, गर्म में ही इसमें मसाला मिलाना है, तभी तो करारे चटपटे लगेंगे। ये मिला देना। तो तैयार है क्रिस्पी क्रंची नमक पारे, कुछ डिफरेंट शेप के। इनको देखकर और खाकर मेहमान भी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। तो आप सभी भी जरूर ट्राई करिए, खाइए खिलाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिए। अगर आप भावनाज रेसिपीज़ को इंजॉय कर रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें
और मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। सबसे पहले मेरा वीडियो आपको दिखे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग भावनाज रेसिपीज़।